नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन। हमारे साथ शहर की एक ऐसी शख्सियत है जो इंडिया को भारत बनाना चाहते हैं। ये सुनने में बेहद कठिन लगता है, अतिशोक्ति सा लगता है, परंतु सर इसके ऊपर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में फरीदाबाद की पार्क गेंड्यूरा सोसाइटी में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी से सर जीते और उसके बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। सबसे सुंदर बात यह है कि इन्होंने विधिवत तरीके से भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह को साकार किया। आज हमारे साथ सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको अब प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आप इंडिया को भारत बनाने का आपका एक सपना है जो सुनने में बेहद कठिन लगता है, आप इसके लिए क्या चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें, अपनी सोसाइटी से शुरू करना? कहते हैं कि घर से ही शुरुआत होती है, तो क्या शुरुआत आप करेंगे सर इसके लिए? इसमें पहले हमें समझना है भारत क्या है। भारत को दो वर्ड में डिवाइड करें, भा और रथ। भा का मतलब होता है ज्ञान। भारतवासी पहले ज्ञान के उपासक थे, तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी, तो ये इसलिए भावो भारतवासी कहलाने में गर्व कहलाते थे। अंग्रेजों ने उस नाम को भारत को इंडिया कर दिया। इंडिया का कोई मीनिंग आप निकाल नहीं सकते हो जी, तो इंडिया का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो बहुत साइंटिफिक है, उसको वापस से समाज में लाया जाए। जैसे हमने अभी शपथ लेने से पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिथिन थी, अबाउट 1 acre लैंड में फैली हुई थी जी। तो हमने उसको कलेक्ट किया, उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया। प्लस वहाँ पे अब नई जगह गाय को चारा खिलाने के लिए लोग उठा के पॉलिथिन फेंक देते थे, तो हमने वहाँ पे उनका पर्टिकुलर प्लेस बनवाया, वहाँ पे आप चारा खिलवाएं और पॉलिथिन के लिए एक ड्रम का कलेक्शन सेंटर बना दिया जी। तो इस तरह से हम प्रकृति को भी बचा रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि अपने गाय को हम रोटी नहीं खिलाएंगे, पर हमने उनको एक पर्टिकुलर व्यवस्था की। अभी हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कुत्तों का। स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी के अंदर 25 से 30 हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम आती है, बच्चों को खाते हैं, गंदगी पूरे कैंपस में वो फैलाते हैं। तो हमारे लिए भी चैलेंज है, हम उसका भी कुछ नेचुरल तरीका निकालना चाह रहे हैं कि भाई पब्लिक को भी दिक्कत नहीं हो और डॉग्स को भी दिक्कत नहीं हो, तो उनको हम एक पर्टिकुलर प्लेस असाइन करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उस तरह उसका समाधान निकालेंगे। हमारे को जनता ने ईमानदारी के लिए जिताया है, क्योंकि पहले भी जो अधिकारी रहे हैं इस पोस्टों में सब इंटेलिजेंट थे, पर कहीं मुझे लगता है कि नीयत की कमी थी जी, नीयत साफ नहीं थी, तो इसकी वजह से जनता ने हमारे को इतना प्रचंड बहुमत दिया है जी। जैसा कि सर हमें पता चला कि आपने शपथ ग्रहण समारोह अपना वैदिक पद्धति के अनुसार किया, हिंदू पद्धति के अनुसार किया, तो उसके अंदर आपने कहाँ से प्रेरणा ली और क्या किया उस हिंदू पद्धति के लिए? मैंने उसमें क्या किया है कि हम सब मैकॉले सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करें, तो मैंने उसके लिए पहले सोसाइटी में सारे समाज के लिए हवन का आयोजन किया जी। और वहीं हमने हिंदी में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए शपथ ली जी। अब हम उसमें क्या करते हैं, खाने पीने के लिए भी, जैसे हमारे जो वैदिक कल्चर था, चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी और वैदिक रीति से छाछ बनाना, छाछ बनाने में भी कंसेप्ट साइंस है, जो हम मिक्सी में बनाते हैं तो उसमें उसके अणुकोर टूट जाते हैं। यदि हम वैदिक रीति से छाछ को बनाया जाता है तो उसमें आकर्षण होता है, तो प्राण वैल्यू मक्खन के अंदर आ जाती है और उसमें मेडिसिनल वैल्यूज आ जाती है मक्खन में, तो ये हमारा साइंस है, हमें उसी पार्ट को समाज को सिखाया है जी। तो हम वही चाह रहे हैं कि ये हम इस तरह से हमने अपना शपथ समारोह किया है। सर, मैं जानना चाहूँगा आप ही से कि आप पहले इससे क्या करते थे इससे पहले, और आपका क्या बैकग्राउंड था? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर रहा हूँ सर जी। उसके बाद मेरी 20 साल का करियर हो रहा है। मैं 13 साल ITC इंडियन टोबैको कंपनी में फैब्रिक मैनेजर रहा हूँ और 7 साल ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी में भी मैनेजर रहा हूँ। तो मैं परचेज का फैशन इंडस्ट्री का आदमी हूँ, पर समहाउ मुझे दिल से ये लगता था कि मुझे शायद समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना है, ये मैं गलत जगह पे हूँ, तो ये मैंने छोड़ के फिर VRS कंपनी से लिया और मैं फुल टाइम इस इंडिया को भारत बनाने में लगा हूँ जी। सर, आप जैसे इंडिया को भारत बनाने में लगे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा राजीव दीक्षित की एक CD सुनने से मिली जी। श्री राजीव दीक्षित की मैंने एक CD सुनी, तो तब मेरे को विचार आया, तो मुझे लगा इसके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा ही है। जब तक हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों में फंसे रहेंगे, समाज के लिए आगे नहीं आएंगे, तो मैंने तभी सोच के अपनी कंपनी को रिजाइन किया और उसका रूट कॉज भी समझा। यदि समाज को बदलना है तो उसमें शिक्षा का मेजर रोल है, शिक्षा से आप किसी मनुष्य का परिवर्तन कर सकते हो। और अंग्रेजों ने हमारे साथ यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का, कि उन्होंने मैकॉले ने जो सिस्टम बनाया वैदिक एजुकेशन को ख़त्म करके, उसने क्लर्क को
पैदा करने वाला सिस्टम बनाया जो आज 70 साल में देश की आज़ादी के बाद भी आज तक चल रहा है, चल रहा है। तो उसको बदलने की कहीं ज़रूरत है, तभी ये देश इंडिया से भारत बन पाएगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आज अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर्स तो पैदा होते हैं, पर वो शायद ऑनेस्ट कितने हैं वो हम सारा समाज जानता है जी। तो कहीं वही ईमानदारी पूरे समाज में से खो गई है जी। तो वापस ईमानदारी शिक्षा के माध्यम से ही आ सकती है, तो वही कोशिश हमारी है कि उसको वापस से उन चीज़ों को लाया जाए। आज नासा संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा है अपनी अपनी, तो आज क्यों नहीं भारत कर सकता जी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि उन चीज़ों को हम अपनी चीज़ों को जाने, सब चीज़ें बाहर की अच्छी नहीं होती, अच्छी चीज़ें हर जगह से लेनी चाहिए, पर यह है कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को ना छोड़ें। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम इस तरह सोसाइटी को बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलें तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। सर जैसे कहा जाता है कि छोटे बच्चे ही घर के पौधे होते हैं और वो ही प्रेरणा बनके बड़े वृक्ष बनते हैं और घर को छाया देते हैं, तो आप सर छोटे बच्चों के लिए जो नींव है हमारी सोसाइटी की, जो भारत की नींव है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें मैं यही देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों की गलती नहीं होती। आप देखो उनका विकास कैसे होता है, वो कहाँ से सीखते हैं। आज हमारी पिक्चर्स उठा लो, गाने उठा लो, कुछ भी आप उठा के देखो तो वहाँ से नेगेटिव इनपुट बच्चों में जा रहा है, तो वही फिर वो जब 14-15 साल के होते हैं तो वही चीज़ें वो सोसाइटी को वापस देते हैं। तो हमारे को कहीं कहीं ना कहीं इस देश का इनपुट बदलना होगा। जब तक हम इनपुट पे काम नहीं करेंगे ये देश नहीं बदलेगा जी। तो सर आप जैसे इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या आपके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आप करना चाहेंगे या आप सोसाइटी में करना चाहते हैं? मैं इसमें शिक्षा के लिए ही अपने गुरुकुल के लिए स्थापना के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि NCR में एक ऐसा गुरुकुल खुले जिसमें हम अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन कंबाइन करके दें। प्लस हम ये चाहते हैं जो गैजेट से बच्चे दूर रहें, आप जो पबजी फ्री फायर्स इन गेमों में जो बच्चा इन्वॉल्व रहता है 6-6 घंटे, उन चीज़ों से दूर रहें और अपने अंदर जो उसकी कला है वो उसको हम बाहर निकाल पाए। जैसा कि आपने देखा हमने जनाब से बातचीत की और इन्होंने बताया कि इनके बहुत ही सुंदर सपने हैं, वो चाहते हैं गैजेट फ्री देश बने, बच्चे अपनी प्रेरणा को आगे निकालें, कला को निखारें और आगे आएं। हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR।